गजब के गोरखपुर के पहले भाग में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से गोरखपुर सज सवर रहा है। गोरखपुर का नौका विहार और गोरखपुर के वनटांगिया गांव के वासियों को किस तरह से सरकारी मदद और गोरखपुर को सजाने के बाद खुशहाली दी जा रही है। अब आपको दूसरे भाग में हम ले चलते हैं उस जगह पर जो कि पूरे देश और पूरी दुनिया में सुप्रसिद्ध है, जिसे नाम दिया गया है गीता प्रेस का। गीता प्रेस वो जगह है जहां पूरे देश की धार्मिक ग्रंथ छपती हैं, जिसमें भगवत गीता भी है, जिसमें रामचरितमानस भी है और जिसमें न जाने कितने धार्मिक ग्रंथ शामिल हैं। लेकिन इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। कहा जाता है कि ये बात आज़ादी से पहले की है, जब कोलकाता के मशहूर सेठ जयपाल गोयनका ने लोगों को सुनाने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस से गीता छपवाई। लेकिन छपी हुई गीता में मात्रा और वर्तनी की बड़ी गलतियां देखकर वो मायूस हो उठे। यहीं से उनके मन में एक ऐसे प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का ख्याल आया जो सस्ता हो और बिना गलतियों वाला धार्मिक साहित्य छापे। उनकी बात गोरखपुर के बड़े कारोबारी घनश्याम दास जालान से हुई और देखते ही देखते महज 10 रुपए के किराए के मकान से गीता प्रेस की शुरुआत हुई। प्रोडक्शन मैनेजर लालमणि तिवारी के मुताबिक, जब उन्होंने बाहर के लोगों से कहा और दूसरे प्रिंटिंग प्रेस वालों से कहा कि आप लोगों की तरफ से जो धार्मिक ग्रंथ छापे जा रहे हैं उसमें काफी गलतियां हैं, तो उन लोगों की तरफ से कहा गया कि अगर आपको त्रुटिहीन धार्मिक ग्रंथ चाहिए तो आप खुद ही छाप लीजिए, अपना प्रेस खोल लीजिए। गीता प्रेस का शुभारंभ देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1920 में शुरू हुई गीता प्रेस 9 दशक में तीर्थ स्थल में तब्दील हो चुकी है। गोरखपुर आने वाले ज्यादातर लोग एक बार इस प्रिंटिंग प्रेस को देखना जरूर चाहते हैं और पहुंचते भी हैं। वजह है इसकी लोकप्रियता। पिछले साल गीता प्रेस ने 5,000 टन कागज पर गीता, मानस और दूसरे ग्रंथ छापे। ये आंकड़े दूसरे किसी भी बड़े प्रकाशन में कागजात की खपत से 20 गुना से भी ज्यादा है। हमारी टीम ने भी गीता प्रेस पहुंच करके एक एक स्टेप पे ये जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे गीता प्रेस में इतने बड़े पैमाने पर धार्मिक ग्रंथों को छापा जाता है, और ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर गीता प्रेस ने लोगों के दिल और दिमाग में किस तरह से अपनी जगह बनाई हुई है। विश्व को धार्मिक ग्रंथों से पहचान दिलाने वाली गीता प्रेस में हम मौजूद हैं और आज हम ये जानने वाले हैं कि गीता प्रेस में जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो किस तरह से प्रिंट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले सर, आपका नाम? सोनू कुमार जी। तो हम पूरी प्रक्रिया जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये बड़े बड़े पेपर रोल आते हैं, कैसे प्रिंटिंग होती है। मैम, सबसे पहले हमको जो भी बुक प्रिंट करना है तो सबसे पहले वो सॉफ्ट कॉपी में रहता है, कंप्यूटर में रहता है, तो हम क्या करते हैं उसके प्लेट तैयार करते हैं। एक ऊपर डिपार्टमेंट है हमारा CTP, कंप्यूटर टू प्लेट, तो वहाँ सबसे पहले हम प्लेट तैयार करते हैं जो कि मशीन में फिट किया जाता है। जिस प्लेट को, ये वो प्लेट है, इस पर क्या करते हैं CTP कंप्यूटर से कमांड देते हैं और इस प्लेट को हम CTP में लगाते हैं, तो इसके ऊपर जो भी मेटर रहता है इसके ऊपर एक्सपोज हो जाता है। इस प्लेट को हम यहाँ पर फिट करते हैं, ये प्लेट सिलेंडर है, ये प्लेट सिलेंडर है, इस प्लेट को यहाँ पर फिट किया जाता है। एक उस साइड से प्लेट सिलेंडर ऐसे ही है, एक उधर से प्लेट लगता है, एक इधर से प्लेट लगता है, प्लेट को फिट कर दिया जाता है। इसके ऊपर जो मेटर होता है वो इसके बाद से ब्लैंकेट पे जाता है और ब्लैंकेट, ये जो ब्लैंकेट होता है वो रबड़ का होता है, तो प्लेट पे से ट्रांसफ़र होता है ब्लैंकेट पे, वो रबड़ का होता है और उसके बीच से पेपर पास होता है, तो दो सिलेंडर का जब इम्प्रेशन पड़ता है तो जो प्लेट पे रहता है वो पेपर पे आ जाता है मेटर। ये दोनों यूनिट प्रिंटिंग यूनिट है और आगे ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, इस दोनों यूनिट में प्रिंट होता है और यहाँ पे फोल्ड होकर बाहर निकलता है जो कि उस फॉर्म में दिखाऊं। एक बार में कितने पन्ने प्रिंट होके निकलते हैं, मतलब कि जिस तरह से आपने ये मॉडल दिखाया था तो ये कितने पन्ने होते हैं एक मॉडल में? मैम, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि या तो 16 पेज के या तो 32 पेज के फर्म में होते हैं। एक जो प्लेट होता है तो एक प्लेट में ये तो 8 पेज होते हैं, ठीक है, लेकिन दो प्लेट लगता है, एक यूनिट में दो प्लेट लगता है, तो 16 पेज एक में रहते हैं और एक में 16 पेज, तो 32 पेज पूरा निकलता है। अगर वो ग्रंथाकार का रहेगा तो 32 पेज और छोटे साइज का रहता है तो वो 16 पेज का रहता है। अगर सिंगल में छपेगा तो वो 16 पेज का रहता है। जी,
अब अगर गीता की बात करी जाए तो गीता के जैसे ये पन्ने हैं, हाँ। तो इस तरह से कितने पन्नों में निकल कर आती है मतलब फाइल? तो मैम गीता तो एक बार में 32 पेज का वो प्रिंट होता है, 32 पेज का। हम अलग अलग प्रिंट कर लेते हैं, जैसे जो भी धार्मिक हमारी जितनी भी बुकें हैं वो 500 पेज की होती है, 1000 पेज की होती है, लेकिन ये जो मशीनें हैं इसमें हम एक बार में 32 पेज प्रिंट करते हैं या तो 16 पेज, तो 32-32 के अलग अलग हम फर्मे बना लेते हैं, हाँ सेट बना लेते हैं, उसको प्रिंट करने के बाद से उसकी पेज की सेटिंग करते हैं, एक बार 32 पेज, फिर 32 पेज, फिर 32 पेज, और फिर वो उसकी सेटिंग जब कर लेते हैं उसको गैदरिंग बोलते हैं, गैदरिंग होने के बाद से इसकी सिलाई करते हैं, इसकी स्पाइन की सिलाई करते हैं, सिलाई करने के बाद से फिर इसकी बाइंडिंग करते हैं, फिर बाइंडिंग करने के बाद से इसकी कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद से एक और डिपार्टमेंट है जहाँ के उसके ऊपर जैकेट लगते हैं, इसके कवर लगते हैं, ये सब होते हैं। कलर्ड में भी प्रिंटिंग होती है, उसका डिपार्टमेंट अलग है? हाँ, यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट है, और जो मल्टी कलर जहाँ पे प्रिंट होता है वहाँ पे हमारी जापान की मशीनें लगी हुई है, वो इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं। कितनी लैंग्वेजेस में यहाँ पे प्रिंटिंग होती है? 15 लैंग्वेज में प्रिंट होती है यहाँ पे। तो अब हम क्या देखने वाले हैं अब इसके बाद? ये तो ब्लैक एंड वाइट हो गया, अब इसके जहाँ पे कवर प्रिंट होते हैं, इसके जैकेट प्रिंट होते हैं, और जो अंदर चित्र रहते हैं वो जहाँ पे प्रिंट होता है वो इसके बाद दिखा देते हैं। अब इसके बाद से जहाँ पे मल्टी प्रिंटिंग होता है वो दिखा देंगे, उसके बाद से जहाँ पे बाइंडिंग होती है। ये जो सेट है पूरी एक धार्मिक ग्रंथ को बनाने के लिए इस तरह के कितने सेट बने हुए हैं? अब मैम जितने जैसे 1000 पेज के बुक है तो उसके लिए मतलब पेज के ऊपर डिपेंड करता है, 500 पेज के बुक है तो उसके लिए कितने प्लेट यूज होगा, अगर 1000 पेज के हैं तो अलग अलग जैसे मतलब पेजेज होते हैं उसके अनुसार से हम प्लेट यूज करते हैं। अच्छा, अलग अलग धार्मिक ग्रंथ के लिए अलग अलग मशीन अलॉट करी गई है या टाइम के अकॉर्डिंग? नहीं 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 मैम, वो सारी बुकें एक ही मशीन पे प्रिंट हो सकती है, हम जाए तो सारी बुक को एक ही मशीन पे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन जैसे ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हमको लेना है तो उसके लिए बहुत सारे मशीनें यूज कर रहे हैं। मशीनें तो यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बुक्स की भी क्वांटिटी है, लेकिन आपको कैसे मतलब कि डिवाइड कर रखा है कि कहाँ पे कौन से सेट बनेंगे? मैम हाँ, वैसे जैसे मान लीजिए कि हमको गीता की ज़रूरत है तो हम गीता प्रिंट कर लेंगे, फिर रामायण की ज़रूरत है तो रामायण प्रिंट करेंगे, जैसे बुकों की डिमांड आती है तो उस वाले मशीन पर वो कर लेते हैं। जैसे वृद्धाकार के लिए इस मशीन पर हम सबसे ज़्यादा वृद्धाकार चलाते हैं, उस पर ग्रंथाकार चलाते हैं, ऐसे हम लोग वो डिवाइड कर लिए हैं। ये किसका पेज है? ये बालखंड है, देखिए यहाँ पे लिखा है बालखंड, हाँ बालखंड। इसी पे जो नए वाला रामचरितमानस आया है वो भी इसी पे प्रिंट होता है, यही वो मशीन है, ये वही सिस्टम है जिसमें सब सेटिंग करी जाती है कि कौन सा प्रिंट होना है। ठीक है, यहाँ से सब मशीन को ऑपरेट करने वाला वो वहाँ से है, उसकी इंक की सेटिंग होती है, सब कुछ वहीं से सेटिंग करते हैं। ये जो आपसे बता रहा था ना, ये जापान की मशीन है, ये जापान की मशीन है, ये 5 करोड़ की मशीन है, इसमें अलग अलग कलर के प्लेट यूज करते हैं। एक बार में ये कितनी कॉपीज निकलती है, कोई आइडिया? या इसका स्पीड है 16,000, लेकिन हम इसको कम पे चलाते हैं, 15,000 पे चलाते हैं और 14,000 पे चलाते हैं, फुल स्पीड पे नहीं चलाते हैं ना। ये जो नंबर लिखा हुआ है क्या ये कॉपीज का नंबर है? ये स्पीड है इसका, ये कॉपीज यहाँ पे काउंट यहाँ पे हो रहा है, ये इसका स्पीड है, 13,500 पे चला रहे हैं अभी। अगर ज़्यादा फुल स्पीड में चलाते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन मार्क होता है वो इधर उधर होने लगता है, प्रॉपर मतलब क्वालिटी नहीं मिल पाती है हमको। अब आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं? अभी आइए हम आपको दिखा देते हैं कैसे प्रिंटिंग होता है इसमें। यहाँ पे हम लोग जो भी पेपर है, पेपर यहाँ पे लोड करते हैं, यहाँ पे ग्रिपर लगे हुए हैं, ग्रिपर के थ्रू एक दूसरे के यूनिट में जाता है, इसमें अलग अलग कलर यूज होते हैं, ये ब्लैक कलर हो गया, उधर सियान कलर हो गया, फिर मेजेंटा कलर हो गया, फिर येलो कलर हो गया, ऐसे यूज होता है। इन मशीनों में कलर अलग से फिल किया जाता है? हम इंक अलग यूज करते हैं, जैसे वो उधर ब्लैक एंड वाइट था और इधर हम क्या करते हैं कि जैसे रेड कलर 4 कलर की है, ब्लैक कलर, रेड कलर, जो जो यूनिट है उसमें हम वो कलर फिल करते हैं। फिलिंग कहाँ से होती है? इसके ऊपर से, हाँ इसके ऊपर से होता है। ये सियान कलर है, ये ब्लैक कलर, ये सियान कलर, और वो मेजेंटा कलर, रेड कलर को मेजेंटा बोलते हैं, और वो जो है येलो कलर है। इन बुकों की प्रिंटिंग के लिए पेजेस कहाँ से मंगाए जाते हैं? ये जो पेपर होते हैं
ये तो अलग अलग कंपनियाँ हैं मैम, जैसे यहाँ पे हम जो सीट फेड की जो बुकें हैं, जो सीट के फॉर्म में प्रिंट करते हैं, उसके लिए हम बुकें मंगाते हैं, ये जेके का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। हाँ, मतलब कि इसकी थिकनेस का भी ध्यान रखा जाता है, पेपर की थिकनेस का। हाँ बिल्कुल, जो हम इनर पार्ट प्रिंट करते हैं, जो अंदर के जो बुक के अंदर के होते हैं, उसके GSM कम होते हैं, और जो जैसे उसके कवर हो गए, जैकेट हो गए, तो उसके GSM ज़्यादा होते हैं। जैसे 170 ग्राम हो गया, इस मशीन पे सबसे ज़्यादा प्रिंट होता है, जैसे कवर होता है, तो 120 ग्राम में या फिर 170 ग्राम में। सालों साल जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो सुरक्षित रहे, वो एज इट इज रहे, तो उनके लिए क्या चीज़ ध्यान रखा जाता है, क्या चीज़ होती है मैम? यहाँ पे तो सबसे पहले हम उसकी बाइंडिंग इतनी परफेक्ट करते हैं, मतलब वैसे बाइंडिंग आपको मार्केट में मतलब कमी मिलेगा, इतनी अच्छे से बाइंडिंग करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बुक को बाइंडिंग हो जाती है, उसके बाद से ऊपर से उसके जैकेट चढ़ाते हैं, जैकेट चढ़ाने के बाद से उसके ऊपर और एक पोस्टिंग टाइप में उसके कवर लगाते हैं, उससे मजबूती बहुत अच्छी होती है। उसकी बाइंडिंग कैसे होती है वो दिखा देते हैं। हमने देख लिया कैसे प्रिंटिंग होता है, अब इसकी बाइंडिंग कैसे होती है वो दिखा देते हैं। जो पेपर वेस्ट हो जाते हैं या मिसप्रिंट हो गया है या फिर भगवान के चित्र बने हुए हैं, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, कैसे डिस्पोज करते हैं, क्योंकि आस्था से जुड़े हुए हैं? हाँ, तो जैसे ये हमारे जो भी वेस्टेज निकलते हैं उसको हम फिर से पेपर, जहाँ से हम पेपर मंगाते हैं, जिस मिल से पेपर मंगाते हैं, जिस कंपनी से, फिर वहीं पर हम भेज देते हैं और उसका रिसाइकल होकर फिर से आता है। बाइंडिंग के पहले अभी सिलाई वाली मशीन दूसरी है, सबसे पहले तो हम ये देख लिए थे कि हम प्लेट कैसे तैयार करते हैं, उसके बाद से हम प्रिंटिंग कैसे करते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग देख लिए थे, मल्टी कलर प्रिंटिंग देख लिए थे, अब हम जो पेज की सेटिंग करते हैं जिसको हम गैदरिंग बोलते हैं, वो देखिए कैसे करते हैं, जो यहाँ पे मैनुअली कर रहे हैं पेज की सेटिंग की जाती है, अलग अलग जो मैं आपसे बता रहा था ना कि वो 16 पेज के फर्मे होते हैं और 32 पेज के फर्मे होते हैं, तो वैसे प्रिंट कर लिए और 32 पेज के सिक्वेंस वाइज ऐसे लगा लेते हैं, और इसकी पेज की सेटिंग की जा रही है 32 पेज, फिर 32 पेज 64 पेज, फिर 32 पेज, ऐसे करके, और जो काम यहाँ पे मैनुअली हो रहा है वही काम यहाँ पे मशीन से भी होता है। अच्छा। ये मशीन से भी होता है, ये एक एक परमे को खींचता है ग्रीपर से और एक के ऊपर एक रखता है, एक बुक सेट कंप्लीट तैयार होता है। हाँ, एक बुक कंप्लीट तैयार होता है। यहाँ एक बुक, एक दो तीन चार पाँच छह बुक है इसमें, ये रजिस्ट्रेशन मार्क, मतलब कि ये मार्क होता है एक बुक का। एक एक बुक आकर वैसे लग जाते हैं और जब चार पांच हो जाते हैं इकट्ठा, तब इसको बाहर निकालते हैं लोग। इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हम लोग पेज की सेटिंग देख लिए, प्रिंटिंग देख लिए, पेज की सेटिंग देख लिए, अब इसकी सिलाई होती है, यहाँ से सब फर्मे बुक लगाया जाता है, यहाँ से सिल के बाहर निकलते हैं, आइए दिखा देते हैं कैसे सिलती है मशीन। एक एक फर्मे आते हैं और यहाँ पे सिलाई होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं तो उनसे कोई गलत पेज लग गया, तो इसमें सेंसर लगा हुआ है, मशीन अपने आप रुक जाती है, नंबर के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। जो भी हमको बुक प्रिंट करना है, अरे सिलाई करना है, उसको हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर में सब पेज को स्कैन करवा देते हैं, वहाँ पे सेट कर लेते हैं, अगर उन्हें उससे गलत कोई पेज लगेगा तो मशीन रुक जाती है, और ये भी सब जर्मनी की मशीनें हैं। अब फिर चल रहे हैं, अब यहाँ पे सिलाई हो गया इसकी, अब इसकी इसके ऊपर ग्लू लगता है, ग्लू लगाकर उसकी बाइंडिंग की जाती है, वो दिखा देते हैं। हम सिलाई देख लिए थे, प्रिंटिंग देख लिए, प्रिंटिंग होने के बाद से पेज की कैसे सेटिंग की हुई जाती है वो देख लिए, इसकी जो स्पाइन की सिलाई होती है वो देख लिए, अभी अलग अलग सेट है तो सबकी एक साथ सिलाई हुई है कि अलग अलग की भी हुई है? ये अलग अलग आती है, जैसे हम बताए थे ना आपसे कि 16 पेज के फर्मे होते हैं, 32 पेज के होते हैं, तो एक एक फर्मे जाते हैं और एक एक की सिलाई होती है, सिलाई होने के बाद देखिए कितनी मजबूती हो गई है, अब ये सालों साल बुके चलती है, हम कैसे भी इसको रखते हैं सालों साल चलती है, अब इसकी बाइंडिंग होगी यहाँ पे, कैसे बाइंडिंग होता है वो दिखा देते हैं। यहाँ से एक एक बुक लगाते हैं, यहाँ आने के बाद उसको ये रोलर लगे हुए हैं, रोलर उसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद आगे जाकर यहाँ पे ग्लू लगता है, यहाँ पे ग्लू लगता है, हाँ
ग्लू लगने के बाद से यहाँ पे एक एक वाइट पेज चिपकाया जाता है, फ्रंट साइड में और बैक साइड में एक एक वाइट पेज चिपकाया जाता है। और वो इसलिए चिपकाया जाता है ताकि जो ग्लू है वो मतलब अच्छे से चिपक जाए, आगे यूनिट में जाते हुए मतलब फैलते हुए ना जाए। फिर यहाँ पे इसके ब्लैक पहले तो फ्रंट साइड में और बैक साइड में लगाता है, अब इसके स्पाइन पे, बुक के स्पाइन पे यहाँ पे ग्लू लगता है। फिर उस ग्लू को होल्ड करने के लिए एक वाइट पेज लगता है और जो एक्स्ट्रा पेपर होते हैं वो यहाँ पे कट के बाहर निकल जाते हैं। कट के बाहर निकल गए। ये फैन क्यों लगाया हुआ है यहाँ पे? ये जैसे ये सूखने के लिए, जैसे ग्लू लग के आते हैं तो कटिंग सेंटर में जाने से पहले अच्छे से अगर ड्राई नहीं होगा तो जो कटिंग सेंटर जो कटिंग की ब्लेड होती है उस पर अगर ये ग्लू लग जाएगा तो अच्छे से कटिंग नहीं हो पाएगी, परफेक्ट कटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हम लोग वो लगाते हैं कि सूख जाए अच्छे से। अब देखिए ये बाइंडिंग हो गया इसकी, ये बाइंडिंग हो गया। अब इसके बाद से कटिंग होगा इसका, फ्रंट साइड से, इधर फ्रंट साइड से और दोनों बैक साइड से कटेगा ये। फिर फाइनल इसके बाद से अब इसके ऊपर जैकेट चढ़ाया जाएगा और कौन सी बुक है उसका कवर चढ़ाया जाएगा, फिर पैकिंग करके बाहर मार्केट में निकल जाता है। यही पे देखिए, उधर से एक एक बुक आती है, एक एक बुक आती है और यहाँ पे कटिंग होता है, यहाँ पे नाइफ लगी हुई है, यहाँ भी एक बुक आएगा। ये ग्लू ड्राई करने के लिए लॉन्ग प्रोसेस है, उसके बाद आती है और फिर कटिंग होती है। ये लॉन्ग प्रोसेस इसलिए बनाया गया है ताकि मतलब जो ग्लू लगता है ना वो जल्दी ड्राई नहीं हो पाता है, तो जब आएगा आकर यहाँ पे तो थोड़ी सी सूख जाएगा तो यहाँ पे जो कटिंग ब्लेड होता है उसमें मतलब ग्लू ना लगे, अगर ग्लू लग जाएगा तो फिर सही से कटिंग नहीं हो पाएगी। ये देखिए नाइफ लगा हुआ है, ये कटिंग नाइफ लगा हुआ है, मतलब तीन तरफ से कटता है और जो वेस्टेज होता है वो इसके थ्रू ऊपर चला जाता है। अब ये बाइंडिंग तक हम लोग देख लिए थे, अब उसके ऊपर जो जैकेट लगता है और उसके ऊपर जो कवर लगते हैं वो दिखा देते हैं। हम लोग यहाँ तक का प्रोसेस देख चुके थे, प्रिंटिंग हो गया अच्छे से, प्रिंटिंग होने के बाद से इसकी सिलाई हुई, सिलाई होने के बाद से इसकी बाइंडिंग हो गई, बाइंडिंग होने के बाद से हम यहाँ पे इसके ऊपर जो जैकेट लगता है वो यहाँ पे जैकेट तैयार करते हैं। जैकेट तैयार करने के बाद से यहाँ पे जैकेट तैयार हो गया, देखिए वहाँ पे जैकेट लग रहा है जी, जैकेट लग रहा है। इसके बाद से हम इसके ऊपर एक वो कवर लगाते हैं, मतलब कौन सा बुक है उसके लिए कवर लगाते हैं। अब लास्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप यही है, यही पे उसका कवर लगता है और उसका उसके ऊपर का कवर लग के उसके बाद से एक व्हाइट पन्नी चिपकाते हैं, पैकिंग करके फिर यहाँ से फिर सीधा गोदाम में जाता है, फिर वहाँ से जैसे डिमांड आता है तो फिर वहाँ से हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम लोग फाइनल स्टेप पे हैं और हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से गीता प्रेस में हमारी धार्मिक ग्रंथें बनती हैं और साथ ही साथ लोगों तक पहुँचती हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, देश दुनिया तक इनकी पहुंच होती है, पूरी मजबूती के साथ इन्हें बनाया जाता है क्योंकि ये आस्था से जुड़ी हुई हैं और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि सालों साल से। हमारे साथ मौजूद हैं लालमणि तिवारी जी जो कि गीता प्रेस के प्रबंधक हैं, उनसे जानेंगे गीता प्रेस के इतिहास के बारे में, क्योंकि गीता प्रेस का इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना है और सभी इसके बारे में वो जानकारी जानना चाहते हैं जो कि बहुत कम लोग जानते ही हो। तो गीता प्रेस के बारे में सभी बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कुछ ऐसी जानकारी भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे जो लोगों को नहीं पता हो। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है TV24 में। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे कि गीता प्रेस का इतिहास बहुत पुराना रहा है तो किस तरह से इसने पहचान बनाई और आज इसकी सफलता के बारे में लोग जो जानते हैं उसके पीछे की कहानी। देखिए गीता प्रेस का 100 वर्षों का इतिहास है और गीता प्रेस अस्तित्व में आने से पहले का मैं इतिहास बताऊं, तीन चीज लोग जानना चाहते हैं। पहली बार ये गीता प्रेस क्यों खुली, गीता प्रेस गोरखपुर में क्यों खुली,
गीता प्रेस इतनी सस्ती पुस्तकें कैसे देता है। घटना 1922 की है। गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोयंदका, ये गीता जी पढ़ते थे, गीता को आचरण में उतार लिए थे। ये चाहते थे कि ये गीता का लाभ सबको मिले। तो उस समय गीता प्रेस अस्तित्व में नहीं था। ये बाहर में कलकत्ता में एक बड़ी प्रेस था, वहाँ से इन्होंने गीता छपवाई 5000 प्रतियाँ। कुछ अशुद्धियाँ रह गई उसमें। उनकी इच्छा थी कि हमारे में जो ग्रंथ छपे उसमें कोई भी अशुद्धि न रह जाए। अब अशुद्धि रह गई इसलिए कि बार बार उस समय ट्रेडिल मशीन हुआ करती थी, प्रूफ निकलता था, चेक होता था, करेक्शन होता था, मशीन रुकती थी। प्रेस वाले इनके जान पहचान के थे, उन्होंने कहा कि देखिए आपको अगर इतना शुद्ध छापना हो तो आप अपना प्रेस लगा लीजिए। बस इस बात को उन्होंने भगवत प्रेरित बात मान लिया कि लगता है भगवान की यही इच्छा है। उसके बाद उन्होंने ये संकल्प लिया कि भाई एक अपना प्रेस हो जाए जहाँ से हमारी गीता की शुद्ध पुस्तक प्रकाशित हो। सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गोरखपुर के घनश्याम दास जी जालान थे, वो आते जाते थे। उन्होंने यह बात कही कि अगर गोरखपुर में कोई प्रेस खुले तो संभाल मैं कर दूंगा। बस हुआ क्या, 10 रुपये महीने के किराए का एक मकान लिया गया। अभी आप लोग गए नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, एक ट्रेडिल मशीन खरीदी गई जो उस समय इंडिया में उपलब्ध नहीं थी, बोस्टन से आई थी, और कुछ टाइप खरीदे गए। और उसी किराए के मकान में 29 अप्रैल 1923 यानी वैशाख शुक्ल एकादशी की तिथि उस समय थी, और वो प्रेस चालू हुआ। उसका नाम रख दिया गया गीता प्रेस। तो गोरखपुर में गीता प्रेस आने का यह इतिहास रहा। इसके बाद जिस कैंपस में भी आप लोग देखे हैं, लगभग 2 लाख वर्ग फीट का एक कैंपस है जिसमें हमारी मशीनें लगी हैं, आधुनिक मशीनें भी लगी हुई हैं, देशी विदेशी मशीनें लगी हुई हैं। वो जुलाई 1926 में 10,000 रुपये में एक यहाँ बना बनाया मकान लिया गया। तो उस समय जो गीता प्रेस का जितना बड़ा काम था उससे बड़ा मकान था। लेकिन गीता प्रेस का काम भी भगवान के मत्स्यावतार की तरह बढ़ ही रहा था, तो बीच बीच में इसमें और भी ज़मीनें खरीद करके जोड़ी गईं जो आज इस रूप में हमारे सामने है। गीता प्रेस का जो संचालन है एक ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा होता है। ट्रस्टियों का यहाँ से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, यानी ट्रस्टी अगर यहाँ अपना काम संभालने आते हैं या कहीं मीटिंग में जाते हैं तो वो उसका खर्च वो स्वयं वहन करते हैं, गीता प्रेस पर उसका भार नहीं जाता। और यही कारण है कि टॉप मैनेजमेंट पर अधिक खर्च न होने के कारण हम गीता प्रेस की पुस्तकें सस्ती बेच पाते हैं। गीता प्रेस लाभ कमाने के लिए नहीं खोली गई है, गीता प्रेस नो प्रॉफिट नो लॉस पर चल रही है, जाता है। अगर पुस्तकों की बात करें तो कौन कौन सी धार्मिक ग्रंथें यहाँ पे प्रिंट होती हैं और कितनी भाषाओं में होती हैं? देखिए हम 15 भाषाओं में छाप रहे हैं, लगभग 1800 से अधिक तरह की पुस्तकें छाप रहे हैं। और जो हमारा प्रकाशन का काम है वो उपनिषद से शुरू हुआ है। उपनिषद हम छापते हैं, पुराण छापते हैं, महाभारत छापते हैं, रामचरितमानस छापते हैं, वाल्मीकि रामायण छापते हैं, अध्यात्म रामायण छापते हैं, सत्संग प्रवचन की पुस्तकें छापते हैं। हम हर आय वर्ग के लोगों के लिए और हर आयु वर्ग के लोगों के लिए छापते हैं। हम छोटे से बच्चे को कख गघ सीखने के लिए भी हम पुस्तक छापते हैं, और हम उपनिषद तक ऊपर के अध्यात्म के क्षेत्र में उपनिषद तक छाप रहे हैं जी। प्रिंटिंग मशीन की बात करें तो ये कितनी होंगी गीता प्रेस में? देखिए प्रिंटिंग मशीन तो आप यह देखें कि अगर हम वेब मशीन देखें तो वेब मशीन हमारे पास में 8 हैं, और सीट वाली मशीन अगर हम देखें तो वो भी लगभग 7-8 हमारे पास मशीनें हैं। मशीनों में हमारे पास बाइंडिंग से लेकर के और सेविंग की मशीनें जो हैं उसमें जर्मनी की भी हमारे पास मशीन है, इटली की हमारे पास मशीन है, हमारे पास जापान की मशीन है। तो इस तरह से हम नई तकनीक की मशीनें अपने प्रयोग के लिए लाते आ रहे हैं जी। अगर बात करी जाए यहाँ पे वर्कर्स की तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो कितने लोगों को रोजगार प्रदान करता है गीता प्रेस? देखिए रोजगार प्रदान करने की बात ना कहें, यहाँ तो लोग जो काम कर रहे हैं हमारे बड़े निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि वो जो यहाँ हमारे यहाँ मिनिमम वेजेज एक्ट लागू है, जितने हमारे वर्कर हैं सब ESI से मतलब कवर हैं, और उनका PF कट रहा है,
रिटायर होने के बाद सरकार के द्वारा उनको पेंशन मिलेगा। इस तरह से लगभग 450 वर्कर प्रत्यक्ष रूप से हमारे प्रेस से जुड़े हुए हैं, बाकी हमारी 20 शाखाएं हैं वहां अलग लोग काम करते हैं। जी, गीता प्रेस विश्व विख्यात है, देश में तो इसकी मांग है ही, लेकिन विदेशों में कितनी मांग है? देखिए, विश्व विख्यात है ये आप लोग कहें, हम तो नहीं कह सकते। महाराज जी यहाँ पधारे थे तो उन्होंने कहा गीता प्रेस को शताब्दी वर्ष में कम से कम 100 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित हो जाएं, ये लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन समय कम है। मैंने वहाँ मन से ये ज़रूर कहा कि महाराज जी इस वर्ष हम लोग 100 करोड़ रुपए मूल्य की पुस्तकें अवश्य बाजार में उपलब्ध करा देंगे। जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म में भी ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है, तो यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी मांग बढ़ रही है, पहले के मुकाबले कितना बदलाव आया है, कितनी मांग बढ़ी है? देखिए, धार्मिक पुस्तकें ऐसी पुस्तकें हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि डिजिटल युग में ये फिजिकल पुस्तकें कब तक चलेंगी, क्या चलेंगी, तो धार्मिक पुस्तकों के प्रति लोगों में एक पूज्य भाव होता है और वो पूज्य भाव कभी जाएगा नहीं। वो कोई अपने पूजा घर में रख रहा है, कोई स्नान करके पढ़ रहा है, कोई अनुष्ठान के रूप में पढ़ रहा है, तो इनकी मांग बराबर बढ़ती ही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारे साथ गीता प्रेस के प्रबंधक जुड़े थे लालमणि तिवारी जी।